कि हाउ मच NaCl शुड बी डिजॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकम 980 टॉर। ओके, टॉर है ना, ये वेपर प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है, और वन टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। ये आपको मतलब याद होना चाहिए, mm मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमको पता है कि फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, वो सभी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, मतलब या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, बट इट डजेंट डिपेंड अपॉन दी लाइक प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे जो पी नॉट है ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब आप NaCl को पानी में डिजोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर है, और पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ओके, एन टू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड एन वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको जो MCQ में है इसका आंसर जो है ना नंबर ऑफ मोल्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपने इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करना है। एन टू मतलब कि डब्ल्यू टू अपॉन, हम जो करते हैं ना डब्ल्यू टू अपॉन एम टू करते हैं, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास के बराबर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे हाउ मच ऑफ NaCl, मतलब आपको N2 निकालने को कहा गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने को कहा गया। अब पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज इक्वल टू 7 mmHg, है ना। और आपको जो ये दिया है, जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 380 टॉर हो जाता है। तो जो 380 टॉर है ना, ये एक्चुअल में 380 टॉर इज इक्वल टू 380 mm ऑफ मरकरी के बराबर है। ये 80 80 से रीड कीजिएगा। ओके, ये ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या हो गया, 380 हो गया, और डिवाइडेड बाई पी नॉट अगेन 760 हो गया। अभी एन टू निकालने को कहा गया आपको, और एन वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और ये हो गया डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, गिवन मास इज 900 ग्राम एंड मोलर मास इज आपका पानी का 18 होता है। तो ये आपको जब आप इसे कट करोगे तो कितना आएगा इसका, 18 5 90 होता है ना, तो ये 50 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे 50 लिख दिया, अभी इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 380 अपॉन 760 आ जाएगा। ओके, दैट इक्वल टू एन टू अपॉन 50 आ जाएगा। तो अभी इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। ओके, 382 76 होता है। ओके, तो अब 50, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो इट विल बिकम 0.5 × 50, कितने मोल्स आ जाएंगे, 25 मोल्स आ जाएंगे। तो इतने मोल्स, ठीक है, इतने मोल्स ऑफ NaCl आपको डालना है 900 ग्राम ऑफ वाटर में, तब जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो आपका कितना हो जाएगा, 380 टॉर के बराबर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।